ईशा कोठारी। किस एग्ज़ाम को आपने पास किया है, क्या रैंक आई है? मैंने नीट एग्ज़ाम को पास किया है, मेरे 720 में से 720 आया है और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या मकसद था मूल रूप से आपके दिमाग में जब आप पढ़ते थे? मैं रोज़ 6 से 7 घंटे पढ़ती थी और जब मैंने शुरू किया तो मेरा एक एम था कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है, तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करी है। क्या सपोर्ट रहा पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबका? स्पेशल क्या क्या? सबका बहुत सपोर्ट रहा है, मेरे टीचर्स का भी मुझ पर पर्सनल अटेंशन था। मैं रेडियंट अकेडमी में पढ़ी हूँ और एमडीएस स्कूल में पढ़ी हूँ। सबका मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। जब तैयारी कर रहे थे तब लग रहा था कि आप टॉप करेंगे या इस तरह का रिजल्ट आना होगा? एक सपना ही था कि ऐसा रिज़ल्ट आना, तो सोचा तो कभी नहीं था, पर जैसे जब मॉक टेस्ट दे रही थी तो मार्क्स आ रहे थे तो एक उम्मीद थी कि 700 से ऊपर आ जाएंगे, पर इतना नहीं सोचा था कभी। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे थे आपके? मॉक टेस्ट में जैसे जो लास्ट एक महीने का था उसमें मेरे लगभग 690 या फिर 700 प्लस ही रहे मोस्टली। तो आज जब रिजल्ट आया तो क्या कर रही थी आप? जब रिज़ल्ट आया तब तो मैं सो रही थी और फिर मुझे मम्मी पापा ने बताया कि रिज़ल्ट आया तो मैं उठी, फिर टीचर्स का फ़ोन आया था तो बात कर रहे थे। आगे क्या करना चाहती हैं? मैं एमबीबीएस की तैयारी करना चाहती हूँ एम्स दिल्ली से। और जो नए बच्चे हैं, कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं, कई बच्चे जो हैं वो असफल रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, एग्ज़ाम में अगर आप सही से प्रिपेयर करें, आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज अचीव किया जा सकता है, तो आप पढ़ते रहिए। देखिए, उदास होकर एग्ज़ाम देते या फिर कोई भी स्ट्रेस लेते हैं तो उस पर परफॉर्मेंस पे बहुत दिक्कत आती है। मतलब एग्ज़ाम कूल माइंड से देना पड़ता है और तैयारी भी वैसे ही करनी पड़ती है। अगर स्ट्रेस लेते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाती है, इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं दे और अच्छे से पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पर ही दे। क्या दिनचर्या वगैरह रहती है, कैसे पढ़ते हो? मेरा सुबह का टाइम तो कोचिंग का रहता था और फिर मैं घर जाके सेल्फ स्टडी करती थी। थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, जैसे मेरा सुबह 8 से 2 स्कूल का टाइम रहता था, मैं घर करीब 3 बजे तक पहुंचती थी। 3 बजे पहुंचने के बाद मैं करीब 3:30-4 बजे तक पढ़ने बैठती थी और उसके बाद मैं करीब 7-8 बजे तक पढ़ती थी, फिर डिनर करती थी, फिर मैं 1 घंटा और पढ़ती थी, फिर मैं सो जाती थी। 9 से 3 मैं सोती थी, मेरा सोने का टाइम था। फिर मैं सुबह उठ के पढ़ती थी, तो मैं 3 से 6 फिर पढ़ती थी, फिर मैं एक छोटा सा नाप लेके स्कूल आ जाती थी। फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करता है, फादर क्या करता है? फैमिली में मम्मी, पापा और मेरा बड़ा भाई है। और मेरे पापा और बड़े भाई बिजनेस में, प्लाईवुड का बिजनेस है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। छोटा भाई क्या करता है? मेरा छोटा भाई नहीं है, बड़ा भाई। बड़ा भाई बिजनेस में है। इसका जो रिजल्ट आया इसकी जो क्रेडिट है वो किसे देना चाह रहे हैं? मैं क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, टीम रेडियंट एकेडमी को और एमडीएस स्कूल को देना चाहती हूँ। उनका बहुत सपोर्ट रहा है। मेन फोकस मेरा एनसीईआरटी पे रहा है, स्पेशली बायो की एनसीईआरटी मैंने 20-25 बार रिवाइज़ करी है, मैंने अच्छे से पढ़ी है। और लाइक तीनों सब्जेक्ट में पहले टीचर जो पढ़ाते थे वो पढ़ते थे, घर जाके उसको रिवाइज़ करते थे, फिर एनसीईआरटी पे मेन फोकस रहता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करूँ तो हमारे कोचिंग का मॉड्यूल था मेनली वो, और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स करी है, जैसे कि MTG करी है NCERT बेस्ड, और PYQs का भी बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, तो मैंने PYQ भी सॉल्व करे, लाइक फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए तो 33 ईयर्स और बायो के तो रिसेंटली किए। और जैसे बायो की NCERT, केमिस्ट्री की NCERT की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है, तो वो मैंने बहुत बार पढ़ी है, मैंने नोट्स पढ़े और मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस, लाइक बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करी है। लास्ट में बहुत सारे मॉक टेस्ट भी दिए, फाइनल लाइक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी बहुत दिए और पार्ट मॉक टेस्ट भी दिए, तो ओवरऑल ये मेरी तैयारी थी। आपके दोस्त वगैरह क्या करते थे पढ़ने के बारे में, क्या उनको खेलने में टाइम दे पाती थी, बातचीत होती थी नहीं होती थी, गपशप वगैरह करते थे? लाइक मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी गार्गी, मेनली वही दोस्त रही है, पूरे 2 साल वो दोस्त रही है, तो हमारा ऐसी दोस्ती थी कि हम हमेशा लगभग साथ में रहते थे, मतलब साथ में ही रहते थे। ऐसा था कि जब स्कूल बंद हो गए थे तब भी हम रोज़ शाम को बात करते थे, एक दूसरे को बताते थे कि आज क्या किया, और जब स्कूल चलता था तब भी हमारा ऐसा था कि हम बात करते थे, तो हमारा ऐसा था कि लाइक सेम साथ में है, तो फिर ऐसा था कि जो मैं फ़ेस कर रही हूँ अभी, लाइक अगर मुझे ऐसा है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो मैं उसको फ़ोन किया कि मुझे ये सब बोलना है, और उतने में वो ये सब बोल देती थी। मतलब सेम टाइम पे सेम सिचुएशंस रहती थी हमारी, तो फिर इतना साथ रहा है हमारा कि हम पूरे टाइम साथ में ही रहे, कि कोई भी बात हो, कोई भी हो तो उससे शेयर करना। ऐसे मैं किसी स्पोर्ट्स में तो नहीं थी और मैं नहीं जाती थी। मैं शाम को रात के टाइम ऐसे वॉक करती थी, या तो मेरी कॉलोनी फ्रेंड के साथ या तो मम्मी के साथ। क्या नाम है दोस्त का? गार्गी। अच्छा, कोरोना के दौरान क्या किया आपने? कोरोना के टाइम तो मेरी स्टडी करी या उस टाइम कुछ अलग से टाइम स्पेंड किया? क्या किया था कोरोना के टाइम तो मेरी 9-10 चल रही थी, और तब मैं बेसिक को बिल्डअप करने में ही अपना ध्यान दिया है। मैं कोचिंग में पढ़ती थी, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी।